शिमारू कॉमेडी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मानिका तुम यहाँ क्यों? तुम तीनों का दिल चुरा सकती हो तो प्रेम के घर की चाबी नहीं चुरा सकती क्या? बिल्ली मारने निकले थे ना, अभी अपनी अपनी दुम दबाकर चुपचाप बैठ जाओ। तुम कहना क्या चाहती हो? आवाज नीचे करो यार। तुम मर्द हर वक्त इतना चिल्ला चिल्ला कर क्यों बोलते हो? उस दिन बैंडस्टैंड पे भी तुम इसी तरह चिल्ला रहे थे और मैंने सब कुछ सुन लिया। क्या? हाँ, दाल छोड़कर बिरयानी खाने का प्लान, अपने बीरियों को धोखा देने का प्लान, मैंने पता करवाया कि तुम लोग रहते कहाँ हो वगैरह वगैरह, और फिर बिरयानी ढूंढने वाले तीन बकरों को फंसाने का प्लान बनाया। पहले मैं मीत के शोरूम पे गई हार लौटाने के बहाने, और मेरी प्लान के मुताबिक वो अपना दिल हार बैठा। और फिर मैं अमर की क्लिनिक गई। हेलो, कैन आई कम इन? जया, श्योर, प्लीज कम इन। दांत का दर्द दिखाने और खुद उसकी जिंदगी में दर्द बन जाने। और फाइनली मैंने प्रेम के बैंक में अकाउंट खोला। एक्सक्यूज मी। यस मैम। कैन आई ओपन एन अकाउंट प्लीज? एक ऐसा अकाउंट जो हमेशा के लिए उसके अकाउंट को खाली कर देगा। मतलब तुमने खिलवाड़ किया हमारी सच्ची लस्ट के साथ? लस्ट नहीं, लव के साथ। हाँ, बहुत शौक था ना घर की दाल को छोड़कर बाहर की बिरयानी खाने का। अब अगर तुम तीनों नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे बीवियों के पास जाकर तुम्हारे खाने का बिल दिखा दूं, तो कल शाम तक मुझे 10-10 लाख रुपए मिल जाने चाहिए। 10 लाख? अरे 10 लाख रुपए तो क्या मैं तुझे 10 नए पैसे नहीं दूंगा? हाँ, अगर तू लोटा लेकर सिग्नल पर भी खड़ी हो गए ना, तब भी हम तुझे भीख नहीं देंगे। क्यों अमर? हाँ ठीक है, फिर मैं गीता भाभी के लिए यहीं रुक जाती हूँ। अपने पति की तस्वीर की रोज पूजा करने वाली औरत अगर तुम्हें मेरे साथ इस तस्वीर में देखेगी तो लोटा लेकर सिग्नल पर मैं नहीं तुम नजर आओगे। फोटो? वैसे तुमने मॉडलिंग के बारे में कभी नहीं सोचा? बड़े फोटोजेनिक हो। अबे ये तूने क्या किया प्रेम? कोई गधा ही किसी को अपनी इस तरह की फोटो खींचने दे सकता है? गधों की लिस्ट में तुम्हारा नाम भी शामिल है। क्या? देख लो। हाँ, और अगर प्रेम मॉडल बन सकता है तो तुम तो गारंटी हीरो बन सकते हो। देखो चेहरे में कितनी लाइट है। मोनिका जी कह दीजिए ना कि तुमने मेरी तस्वीर नहीं खींची प्लीज। सॉरी डार्लिंग, बट डोंट वरी, जब तुम्हारी बीवी तुम्हें जान से मार देगी तो अगले दिन के न्यूज़पेपर में मैं यही फोटो छपाऊंगी। प्लीज हमारी बीवियों को ये फोटो मत दिखाना। हमारे पास पैसे होते तो हम दे देते, लेकिन हमारे पास तो पैसे हैं ही नहीं। लेकिन तुम तीनों के बीवियों के पास तो है ना, तभी तो बैंक में काम करते हो, लेकिन फिर भी इतनी आलीशान घर में रहते हो। तुम तीनों लाख बेवकूफ सही, मगर शादी बड़ी समझदारी से की है। कल मैं तुम तीनों का इंतजार बैंड स्टैंड पर करूंगी, और अगर तुम पैसे लेकर नहीं आए तो समझ गए ना। गुड बाय बॉयज। मीत? हाँ सर। अपनी गाड़ी की चाबी तो देना। क्यों डार्लिंग, इतनी बड़ी रकम लेने में रिक्शा में आऊंगी, अच्छा लगेगा क्या? बाय स्वीटीज, सी यू टुमारो। लग गए ना रास्ते, हो गए ना बर्बाद। अच्छा भला घर की दाल चुपचाप से खा रहे थे, साले तेरे आइडिया के चक्कर में बिरयानी खाने निकले और अटक गई ना गले में हड्डी। अच्छा अब सारा दोष मुझ पर डाल रहे हो? तू अकेले थोड़ी फंसा है, फंसे तो हम सब है ना। शिट, शिट। अगर पिंडिया को वो तस्वीरें मिल गई ना, वो तो मुझे चीर फाड़ डालेगी यार। चीर फाड़? उससे पहले तो वो मोनिका की बच्ची हम तीनों का कीमा बना देगी। कीमा गली के कुत्ते भी नहीं खाएंगे। अरे यार खाया तो मैंने भी कुछ नहीं, और इतना महंगा बिल भरना पड़ रहा है यार। मतलब तूने भी कुछ नहीं? हाँ यार, अरे उस लवलेस में मुर्गी नहीं अंडा मिला, अंडा। उसने कहा था बस थोड़ा सा इंतजार। सबर का फल मीठा होता है, बहुत मीठा होता है।
यानी कि साला खाया पिया कुछ नहीं और ग्लास तोड़ा 30 लाख का। अगर हर रोज मैं अपनी पॉकेट मनी बचा बचा कर जमा करूँ ना तो 20 जन्म में इतनी रकम नहीं जुटा पाऊंगा। अरे मैं तो बैंक में सिर्फ काम करता हूँ, बैंक थोड़ी मेरे ससुर की है। अरे जो कुछ मेरा है वो तो मेरे स्वर्गीय ससुर का ही है। मैं तो कहता हूँ तुम दोनों से बातों में उलझे रखो, पीछे से आके सारी ककड़ा दबा दूंगा। नहीं नहीं नहीं, एक काम करते हैं, धीमी आंच पर उसे उल्टा लटका कर उसका तंदूर बनाते हैं। तंदूर एक मिनट, उसकी सुपारी दे देते हैं और मैं हिटमैन को पर्सनली इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि उसे तड़पा तड़पा कर मारे। मैं एक बात बोलूँ? हाँ बोल बोल बोल। चुपचाप पैसे दे देते, इस कौन पनी का करोड़पति को अभी बंद होना था। अगर पैसे नहीं मिले तो मोनिका इस पति को रोड पे ले आएगी। अरे तुम छत पर क्या कर रहे हो, अब तक नहाने नहीं गए? अगर पैसे मिल जाए तो गंगा नहा लूंगा। क्या कहा? कुछ नहीं कुछ नहीं, जाऊंगा नहाने, जाऊंगा नहाने, एक कप चाय मिलेगी। इस घर को चाय की दुकान समझ रखा है क्या? रोज एक कप चाय पीकर ही हल्के होने जाते हो, सुबह से 10 कप पी चुके हो और बाथरूम जाने का कोई नाम ही नहीं। हल्का कैसे हो जाओ, उसने इतनी भारी पुच्छ मारी है। क्या? कुछ नहीं मेरी माँ, कुछ नहीं। कलयुग घोर कलयुग। इन्हें भी कलयुग में आना था। एक और सीनियर सिटीजन के घर में ढाका और इस बार बेचारी 60 साल की बूढ़ी औरत के घर से पूरे 13 लाख लूट कर ले गए। पढ़िए पढ़िए आगे पढ़िए ना। पुलिस का कहना है पूरा गैंग ऑपरेट करता है, पहले किसी बहाने से घर की घंटी बजाता है डिंग डोंग, उसके बाद घर में एंट्री लेकर सब कुछ साफ कर देता है। और ये गैंग के गट्स देखो, चोरी के बाद वहां पर अपनी निशानी छोड़ कर जाता है। निशानी गोल्डन कलर का ग्लव। कैन यू इमेजिन व्हाट दिस वर्ल्ड इज कमिंग टू। गैंग, हाउ इंटरेस्टिंग। मम्मी जी, क्या है? मैं क्लिनिक जा रहा हूँ। तो आरती उतारो। नहीं नहीं, बिंदिया आए तो कह देना कि मैं घर देरी से आऊंगा। कह दूंगी, वो भी तो किट्टी पार्टी के बाद शॉपिंग जा रही है, लेट आएगी। और आप भी जरा घर के दरवाजे को अंदर से ठीक से लॉक कर लीजिए। क्यों? क्योंकि सामान बहुत खराब हो गया है ना। तो अपनी फिक्र कर। अच्छा अच्छा मैं चलता हूँ। बाय लगू सासू जी। पैर इधर है। जानू जानू, देखो मैं तुम्हारे लिए नाश्ते में क्या लाई हूँ। क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों उतरा हुआ है? अब तुम्हें क्या बताऊँ? अभी मुझे नहीं बताओगे तो और किसे बताओगे? छोड़ो, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। ठीक है। अरे तुम्हें नहीं बताऊंगा तो किसे बताऊंगा यार। रामलाल जी की चिट्ठी आई है। रामलाल जी? हाँ, पता है आज से पूरे 30 साल पहले जब पिताजी पहली बार मुंबई आए थे तब उनके जेब में सिर्फ 1 10 रुपए का नोट था। तब रामलाल जी ने उन्हें घर दिया, खाना दिया, नौकरी दी, सहारा दिया। इतना सब कुछ सिर्फ 10 रुपए में? सुनो ना, मरने से पहले पिताजी ने मुझसे कहा था कि बेटा मीत, भगवान चाहे तुम्हें जितने ही मौके दे, रामलाल जी का एहसान चुकाने के लिए वो कम है। और आज उनकी चिट्ठी आई है, उनकी बेटी की शादी हो रही है और लड़के वालों ने दहेज मांगा है। उन्होंने आज पहली बार मुझसे मदद मांगी है। अब तुम ही बताओ भला मैं उनकी मदद कैसे करूं? अरे कैसे करूं? क्या कर रहे हो, हमें उनकी मदद करनी चाहिए ना। नहीं आंचल, नहीं नहीं, मैं उन बेशरम पतियों में से नहीं हूँ जो अपने बीवी के बाप के पैसों को अपने बाप के दोस्तों में दान करते। कैसी बात कर रहे हो, जो कुछ मेरा है वो आपका ही तो है। नहीं आंचल, मैं अपनी बीवी से पैसे कभी नहीं ले सकता, नेवर। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। बापू मुझे माफ कर देना बापू, आपको दिया हुआ वचन मैं नहीं निभा पाया। जानू 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 प्लीज मत रोना जानू, देखो तुम्हें मुझसे पैसे लेने ही होंगे। हाँ चल। कितने पैसे मांगे थे उन्होंने? सिर्फ 10 लाख। क्या? आज शाम तक। ओ, मगर घर में मेरे पास सिर्फ 5 लाख रुपए हैं। वो बैंक में फिक्स डिपॉजिट है ना। हाँ, बैंक में है। चलो 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 जल्दी चलो जल्दी चलो। बंदी बढ़िया को क्लोरोफॉर्म सुंगा के सुला देता हूँ, साली WWF की बच्ची है। कौन आ गया इस वक्त? अरे बाबा आती हूँ। चश्मा किधर है मेरा? आती हूँ। ये कौन है? कोई नहीं है। मेरा चश्मा किधर है? अरे बाबा बोला ना आ रही हूँ। अरे दूध वाला हूँ माँ जी। दूध वाला? इस टाइम पर? दूध वाले भैया तुम इतनी देर से क्यों आए हो? वो का है ना कि हमारी भैसन माँ जरा सुबह देर से उठी ना, इसलिए। अजीब फैशन माँ की फैशन माँ है तुम्हारी। रुको खोलती हूँ।
comes the pain! Yeah! He wanted to mess with me! You want to mess with me? Good night, my sweetheart. Golden Glove Gang. भगवान, मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा, पर आज मांगता हूँ कुछ ऐसा चक्कर चला दे कि लक्ष्मी आकर मेरे कदमों में गिर जाए। भगवान, मैंने तुझसे लक्ष्मी मांगी थी, महालक्ष्मी नहीं। समय समय इसको पैर पड़ने के अलावा कोई काम ही नहीं है। जी, आपसे एक छोटी विनती करनी थी। क्या है, जल्दी बोलो। जिस सार्वजनिक संस्था की मैं मेंबर हूँ ना, वो पिछले 2 महीनों से बेघर बच्चों के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। अरे यार, मैं चंदा कहाँ से दूंगा? अरे आपको कुछ देना नहीं है, चंदा इकट्ठा हो गया है। उन बच्चों को एक नई जिंदगी देने की ये हमारी छोटी सी कोशिश है। कितनी छोटी कोशिश है? 12,05,350 रुपये। 12,05,350 रुपये? तो मैंने सोचा कि पैसे अच्छी तरह से बैंक में जमा करने वाला आपसे बेहतर और कौन हो सकता है? आप मेरे लिए पैसे जमा कर देंगे ना जी? मैं? तुम महान हो, भगवान का वरदान हो, मेरे जीवन का सवाल हो। छोड़िए मुझे, मेरी जान। उठिए उठिए। जानू, तुम नहीं जानती कि आज तुमने मुझे ये पैसे देकर, ये जिम्मेदारी देकर मुझ पर कितना बड़ा उपकार किया है। भूल जाओ, आज के बाद इन पैसों को भूल जाओ। क्या? अब मेरा मतलब इन पैसों की चिंता करना भूल जाओ, मैं इन पैसों को बिल्कुल सही जगह पहुंचा दूंगा। ठीक है, अब मैं अपने सत्संग के लिए जा रही हूँ। जाओ सत्संग, गो। लेकिन जानू, बैग। सॉरी बच्चों, अगर मुझे बेघर होने से बचना है तो आपको कुछ दिन और बेघर रहना पड़ेगा। सॉरी। हाँ, अबे फटू, सुन, सारा पैसा अब इस बैग में, से कुछ हुआ ना तो तेरी धुलाई कर दूंगा। धुलाई? तेरे घर में अगर वॉशिंग मशीन खराब हो जाए ना तो मुझे बता देना, मैं अपनी सास को भेज दूंगा। तुमसे अच्छी धुलाई तो कोई वॉशिंग मशीन नहीं कर सकती। अरे धुलाई तो मैंने भी अपनी खुद की करवाई, लेकिन झूठ मूठ की। खुद के कपड़े फाड़े, मेकअप करके घर पहुँचा और कहा मैं करता भी तो क्या करता, वो लोग 4 थे और मैं सिर्फ 1। 10,00,000 रुपये ले गए, साथ में ये 2,05,350 रुपये छोड़ गए। शायद उनको 10,00,000 की ही जरूरत थी। आप पैसों की चिंता मत कीजिए, भगवान की कृपा से आप सही सलामत है। मेरी श्रद्धा और पूजा काम आ गई, अब तो मैं भगवान का शुक्रिया अदा करने के लिए पहले से भी ज्यादा व्रत रखूंगी। क्या? हाँ। मतलब अब तो कुछ और महीनों तक भूखा रहेगा। अरे इस मोनिका नाम की बंदूक ने मेरी भूख ही मिटा दिया यार। हिम्मत देख मोनिका की घड़ी। देखा कैसे आराम से बैठी हुई है। हम जैसे बकरों को फांस के मजे से ही बैठेंगे ना। चल। हम पैसे साथ लाए। मोनिका जी, ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? हेलो हेलो, इसे किसने मारा? अरे मुझे क्यों पूछ रहा है? मैंने थोड़ी मारा यार।
हम यकीन कैसे कर ले? ए प्रेम, तू ज्यादा शाना मत बन, समझा ना, तू इसको पूछ ना। ये कह रहा था ना उस दिन कि रस्सी से गला घोट के मार देते, दिख नहीं, दिख गले पे निशान भी है रस्सी के। हाँ हमार तुम उधर मेरी तरफ ऐसे ऐसे क्यों देख रहे हो? आज तक मैंने मक्खी नहीं मारी, इससे क्या मैं खाक मारूंगा? अरे यार ये भी सही बोल रहा है। ये फोटोज, वो पैसे लेके फोटोज देने वाली थी ना। बैग 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 में होंगे, चेक कर चेक कर। अरे यार इसमें तो कुछ भी नहीं है। मैं तो कहता हूँ लाश को गाड़ी में छोड़कर निकल चला मत। कहाँ जा रहे हो? ताकि पुलिस को इसकी लाश मेरी गाड़ी में मिले और मैं फांसी में लटकूं, यही चाहता है तू? तो हम दोनों को भी क्यों फंसा रहा है यार? बॉस बस, तो अब हम तीनों गए हैं, जब तक ये लाश ठिकाने नहीं लग जाती कोई ऐसे हिलेगा नहीं, समझे ना? ठीक है जल्दी जो भी करना जल्दी करना यार। बेना हाय हाय, एक चिकनी तीन चिकने, क्या सीन है? देखो अभी हमें जाना है। अरे हीरो ऐसे कैसे चले जाओगे बिना कुछ दिए ही? कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना, क्यों बेबी? हाय हाय, ये बेबी कुछ बोलती नहीं, क्या क्या हुआ इसे? अब कुछ नहीं कुछ नहीं, अब तबीयत खराब है, तबीयत मैं देखूं जरा। जरा दे और पैसे दे। क्या करूं, छूटे पैसे, छूटे पैसे। हाय हाय, भगवान तुम्हारा भला करे, लंबी उम्र हो तुम्हारी। लंबी उम्र? अब उम्मीद तक नहीं। दोबारा मिलना। हाय हाय टाटा। शिट, मुझे बहुत डर लग रहा है यार। चुप भट्टो, मुंह खोला तो जान से मार दूंगा। मुझे जेल नहीं जाना यार। शिट शिट शराब यार, दोनों इडियट्स।